आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के फैजाबाद रोड पे, जहां खास कर अगर बात करें तो इस फैजाबाद रोड पे कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं, निजी संस्थान हैं, जहां दूर दराज से युवा आते हैं और अपनी शिक्षा हेतु अनेक विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में आवेदन लेते हैं और अपनी शिक्षा को पूरा करते हैं। तो वहीं सरकार की तरफ से जो सभी राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से युवाओं को लुभाने के लिए तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं, मगर अगर बात करें पिछले 5 सालों में तो जो तत्कालीन सरकार है उससे युवा कितने खुश हैं और जो भी उन्होंने वादे किए उन वादों में से कितना पूरा अब तक हो चुका है। तो आइए चलते हैं युवाओं के बीच और जानते हैं कि उनके विचार से क्या इस बार किसकी सरकार बनेगी और युवाओं के मुद्दों को कितना पूरा किया गया। भाई आपका नाम क्या है? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह। योगेंद्र, अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में जो सरकार की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में काम किया गया, तो आप कितना खुश हैं उससे? हाँ, खुशी तो है ही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या किया जाता था कोरोना काल में, मान लीजिए लोगों को प्रॉब्लम तो हो ही चुकी है, तो उसी से लड़ते हुए। क्या करते हैं आप? मैं तो अभी जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं? हाँ। तो ये बताइए, जैसे सरकार की तरफ से जो संकल्प पत्र दिया गया बीजेपी की तरफ से, उस संकल्प पत्र में कहा गया कि 70 लाख रोजगार देंगे, और ऐसा क्या आपको होता हुआ दिखा? कहा जाए तो है, ऐसा तो है ही है, किया गया है, लेकिन अब कोरोना की वजह से बहुत प्रॉब्लम तो आ ही गई है, तो उस चीज़ को क्या किया जा सकता है। उस चीज़ में तो आप भी उसी चीज़ से, हम भी उसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, कोई चीज़ अलग से तो आ नहीं सकती हैं। कहा है उन्होंने, किया है, जितना हो सका उतना किया गया, लेकिन अब कोरोना काल की वजह से ऐसे काम है, कोरोना काल की वजह से नहीं किया, तो जो काम बंद ही हो रहे हैं, काम हो ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है वो चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं है, काम तो मिला ही है, काम किया गया है। पढ़ाई के क्षेत्र में भी जैसे देख लीजिए, क्लासें कॉलेज बंद हैं, लेकिन फिर भी फीस के मामले से भी छूट मिली है जो बच्चों को, बाकी ऑनलाइन क्लासें मान लीजिए घर में चल रही हैं, बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं ऑनलाइन क्लास से, जो छात्र हैं वो कितना खुश हैं और चीज़ों को क्या उस ढंग से सीख पा रहे हैं, जैसे वर्चुअली क्लास अभी चल रही है, जो क्लास कक्षाएँ कॉलेजों में चलती हैं उसको कंपेयर किया जाए तो क्या मतलब निकल के आ रहा है? देखिए क्या है कि स्कूल में जैसे बच्चे जाते हैं तो उनके पास एक डर बना रहता है बच्चों का और टीचरों का, वो सोसाइटी वैसी है ही है। और बाकी घर में क्या है कि अगर घर में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी जा रही है, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं वो डिपेंड करता है उनके पेरेंट्स के ऊपर। आप फ़ोन दे रहे हैं, बच्चों का लगाव फ़ोन से ज़्यादा होता है, लैपटॉप देते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए, बच्चों का लगाव ज़्यादा होता है, वो ध्यान देंगे उस चीज़ पर, लेकिन पेरेंट्स का सबसे मेन तरीका ये है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो उस चीज़ पे जब तक आप टाइट नहीं होंगे तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर कॉलेज जा रहे हैं तो बच्चों के लिए टीचर हैं वो पढ़ाएंगे, लेकिन अगर वो कॉलेज नहीं जा रहे हैं तो ऑनलाइन क्लासें आ रही हैं, तो उसके लिए फिर माँ बाप को टाइट होना पड़ेगा कि बच्चा मेरा ऑनलाइन से क्लास से क्या पढ़ा है, उसका वर्क किया है या नहीं किया है। ऐसा नहीं कि आपने फ़ोन दे दिया, बच्चे ने देखा नहीं देखा, उसका गेम चला रहा है, तो वो चीज़ें फिर तो वही है ना कि हर चीज़ को कान पकड़ के नहीं किया जाता था, कुछ चीज़ें हम लोग को खुद करनी पड़ेंगी। जी आप अपना नाम बता दें। जी शुभम सिंह। शुभम, क्या करते हैं आप? जी बीटेक पास आउट हैं। बीटेक पास आउट हैं, तो क्या आप आगे की पढ़ाई जारी रख रहे हैं या रोजगार की तलाश में हैं? रोजगार की तलाश में तो हैं, लेकिन रोजगार हमको लगता नहीं भाई साहब ना मिल पाएगा ना हम कर पाएंगे, कुछ देखते हैं अगर घर से सहयोग मिला कुछ बिजनेस। अच्छा, सरकार की तरफ से कौशल विकास के क्षेत्र में काम किया गया है, स्किल एजुकेशन, तो कहाँ तक आप देख रहे हैं कि कौशल विकास कारगर साबित हो पा रहा है, उससे बच्चों को कुछ मुकाम हासिल हो पा रहा है? देखिए जो ज़रूरतमंद हैं उनको तो चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगभग तो हम देख रहे हैं मैक्सिमम 80% यही है कि सिर्फ अपना डिग्री बनवा ले रहे हैं, कभी जाते नहीं हैं क्लास में, कभी कोचिंग नहीं जाते हैं, वो बोलेंगे हमको सब आता है बस हमारी डिग्री बनवा दीजिए एक तो लगाने के लिए। अच्छा, अगर बात करें पिछले 5 सालों में जो तत्कालीन सरकार है उसके तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में आपके मुताबिक कैसा काम हुआ है?
देखिए शिक्षा के क्षेत्र में तो ये कोविड के चलते ही कुछ नहीं हो पा रहा है। दरअसल पढ़ाई लिखाई का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, 10% रह गया समझिए अगर वर्चुअली देखा जाए तो। बाकी ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में अभी तो कुछ खास ऐसे लगा नहीं हमको। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार में क्या है। सर अपना नाम बता दें। मोहम्मद आसिफ अली। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेस में है। तो ये बताइए, अगर बात किए तो आप भी युवा हैं, तो युवा के तौर पे आप हमें ये बताइए कि पिछले 5 सालों में सरकार की तरफ से रोजगार के क्षेत्र में कैसा काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ है सर, बिल्कुल। हम लोग प्रयास करके थक गए हैं, तब जाके कुछ व्यापार में उतरे हैं कि ताकि कुछ किया जाए, क्योंकि सरकार सब कोई उम्मीद रही नहीं है। भर्तियाँ निकलती तो ज़रूर हैं लेकिन होती नहीं है। अच्छा, वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है अपने मैनिफेस्टो में कि हम युवा मैनिफेस्टो लाया उन्होंने, तो बताया जा रहा है कि 20 लाख रोजगार देंगे, तो कहाँ तक ये जो पैतरा कांग्रेस अपनाई है ये साबित होता है, कारगर साबित होता है, दिख रहा है? देखिए सर, ये सरकार में आने के लिए तो सभी पार्टियाँ कहती हैं, कुछ ना कुछ लुभावने ऑफर देते हैं लेकिन कोई रोल अदा कर नहीं पाता है। हाँ, ये तो मैं देख रहा हूँ, काफ़ी दिन से हम लोग प्रयासरत रहे लेकिन कोई सरकार कुछ खास नहीं करी है। जी जी, आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम शानू सिंह है। शानू भाई, आप क्या करते हैं? हमारे यहाँ कैफे हैं। कैफे है। और अगर बात करें तो शिक्षा में आपने क्या ग्रहण किया है, शिक्षा के क्षेत्र में? मैं बीकॉम फाइनल ईयर। बीकॉम फाइनल ईयर हो चुका आपका। अगर बात करें पिछले 5 सालों में, तो सरकार की तरफ से युवाओं के लिए क्या काम आपको अच्छा लगा और क्या रोजगार के क्षेत्र में सरकार काम किया है? देखिए, रोजगार के क्षेत्र में मैं बेसिकली गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, तो गोरखपुर में तो बहुत सारी डेवलप हुई हैं महाराज जी की तरफ से। और दूसरी बात ये, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हुई है। अब लॉकडाउन था, कोविड की वजह से 3 साल बैक मारा, अब आने वाले समय में हो सकता है इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोग के लिए आए। और दूसरी बात, जो इंडिया सबसे अच्छा काम बीजेपी ने किया, जो इंडिया में यूपी में खासकर जो फियर चाहिए था वो मिला हम लोग को, जो मतलब करप्शन थोड़े बहुत कम हुए, ठीक है, इंकाउंटर्स हुए टेरिस मतलब जो भी थे ये। एक सेकेंड, आइए कुछ और लोगों से बात करें। जी भाई साहब, नाम बता दें। प्रशांत सिंह। प्रशांत सिंह, आप क्या करते हैं प्रशांत भाई? जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं। अगर बात की जाए पिछले 5 सालों में, तो जो तत्कालीन सरकार है वो शिक्षा के और रोजगार के क्षेत्र में कैसा काम कर रही है आपके मुताबिक? शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में सब चीज़ आपके सामने, TT का पेपर हुआ, पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जाता है, पेपर बच्चे देते हैं वो पेपर लीक हो जाता है, अभी जो दिया है देखिए उसका रिजल्ट सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें आपके सामने ही है, सब कुछ है। अच्छा, जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय एक सबकी तरफ से एक कुछ फार्मूला बताया जाता है, वहीं बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया जाता है, सभी पार्टी की तरफ मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया जाता है। उस संकल्प पत्र में कहा जाता है कि 70 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, तो आपको कहाँ तक रोजगार के क्षेत्र में काम होता हुआ दिखा? संकल्प पत्र बनाने में क्या जा रहा है, संकल्प पत्र तो सारी पार्टियाँ बना करके दे रही हैं, उसको कितना हद तक ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ये देखने के लिए। रोजगार की बात कर रहे हैं, कोई भी एक 5 साल में सरकारी पेपर जो उन्होंने कराया हो, जो वैकेंसी उन्होंने दी हो, कोई भी उन्होंने नहीं करा करके दिया है। खाली क्या है, अभी सब जो चल रहा है हरिजन वोट, हरिजन वोट, फ्री राशन बांटी है, हरिजन का वोट खरीदिए, जैसे प्रधानी पे होता है कि एक एक चुनाव में एक एक वोट खरीदा जाता है, इस समय बीजेपी उसी के ऊपर काम कर रही है कि एक फ्री राशन बांट करके आदमी की आदत ऐसी कर दी है कि सिर्फ एक एक वोट के लिए एक तरीके से वोट खरीद रही है। अगर बात किया जाए तो कांग्रेस की तरफ से एक पहल की गई है कि हम 20 लाख रोजगार देंगे, तो वो पहल आगामी चुनाव में कितना कारगर साबित होगा कांग्रेस के लिए? कांग्रेस तो लड़ाई में ही नहीं, सबसे पहली चीज़ है। और मेन बात करें अभी आपके, हम 20 लाख रोजगार देंगे, भाजपा करें 70 लाख रोजगार देंगे, लेकिन ज़मीनी लेवल पर ये सब चीज़ें ख़त्म है, सिर्फ खाली ये चुनाव घोषणा पत्र में अपना दिखाने के लिए, वोटरों को आकर्षित करने के लिए सब कुछ अच्छा है। अभी कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने दलील दिया कि कोरोना काल के चलते इस बार रोजगार के क्षेत्र में सरकार काम करने में थोड़ी असमर्थ रही है, तो इस पे आपका क्या विचार? अब अपनी कमियों को छिपाने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है कि कोरोना के चलते हमने सब कुछ किया, कोरोना का इतना सारा फंड आया, विदेशों से आया, बाकी सब जगह जो फंड रहा वो सारा फंड कहाँ है, किसी को कहाँ कुछ दिखाया जा रहा है कि हाँ इतना फंड आया हमने कोरोना काल में इतना किया। सिर्फ क्या है, हर चीज़ का एक और सिर्फ प्रमोशन, वैक्सीनेशन किया, आप वैक्सीनेशन डाउनलोड कीजिए, वैक्सीनेशन पर मोदी जी की फोटो बन के आ रही, क्यों बन के आ रही है? पोलियो था, बाकी सब टीकाकरण थे, क्या कभी टीके लगे नहीं? सबने टीके फ्री में लगवाए, सारे टीके मुफ्त लगे, लेकिन उसका हाईलाइट किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने या योगी जी ने, व्यक्तिगत भाजपा ने कि हाँ टीके लगवाए, फ्री में लगवाए। जितनी भी महामारी फैली सबके टीके फ्री में लगे, किसी ने अपना प्रमोशन नहीं किया, उसको प्रमोशन करने की क्या जरूरत है? अगर आप मदद कर रहे हो सरकार में, सरकार का मतलब ही हो गया कि वो
सारी चीजों को फ्री दे रही, सबको दे दो, आपको प्रमोशन करने की उसकी क्या जरूरत। अच्छा, कौशल विकास स्किल एजुकेशन पे आए तो कौशल विकास केंद्र ऐसे कई सारे देश भर में बनाए गए हैं, तो उसका क्या बेनिफिट निकल कर युवाओं के लिए आया आपके मुताबिक? अभी तक तो हमको तो नहीं लगता, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक हमने नॉर्मल अच्छा ट्राई कर रहे थे कि स्किल इंडिया के अंतर्गत, मेक इन इंडिया के अंतर्गत जो होता है कि प्रमोट करती है कंपनी की, युवाओं को हम लोग ग्रोथ करने के लिए दे रहे हैं, इतना फॉर्मेलिटीज़ उसमें होती है कि वो बंदा उस चीज़ को कर ही नहीं पाता है कि तो उसको डेवलपमेंट करेगा। चले जाए कितने भी आपके बने होंगे कि हाँ स्किल इंडिया को सारी चीज़ें बनी होंगी, लेकिन हमको नहीं लगता कि वहाँ पर उस लेवल पर काम हो रहा होगा। जी शुक्रिया। तो इस वक्त हम मौजूद हैं फैजाबाद रोड पे, जो कि यहाँ से पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो बच्चे दूर दराज से आते हैं और अपने शिक्षा के उपरांत ऐसे कई सारे कॉलेजों में दाखिला लेते हैं, तो कुछ और छात्र मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी आप अपना नाम बता दें। नूर, नूर फारूकी। नूर, क्या करते हैं आप? मैं BDS कर रहा हूँ, इंटर्न हूँ। अच्छा, अगर बात की जाए तो विगत 5 सालों में जो तत्कालीन सरकार है उसकी तरफ से शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कैसा काम हुआ है? शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा, बढ़िया काम नहीं हुआ है। अच्छा, हमें ये बताएं कि सरकार की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया आज से 5 साल पहले, उसमें कहा गया 70 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, तो कितना अब तक रोजगार सरकार आपको दिख रहा है कि दी है? एक्चुअली मैं ज़्यादा अपडेट नहीं हूँ, पर जितना मैं अपडेट हूँ उतने में जॉब दिख नहीं रहा है, मुझे जॉब नहीं मिले 70 लाख, बिल्कुल नहीं। और अगर बात की जाए तो इस बार के मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी और तमाम जो दल हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम 20 लाख रोजगार देंगे, तो ये जो कांग्रेस का पैतरा है 20 लाख रोजगार का, ये आगामी चुनाव में कितना कारगर साबित होगा? कारगर साबित होना, चुनाव से पहले वादे तो सारे ही करते हैं, ज़मीनी स्तर पे आप देखिए रिजल्ट नहीं आते हैं सामने। 70,000 भाजपा भी दे रही थी, फिर कांग्रेस भी देने के वादे कर रहे हैं, सपा भी देने के वादे कर रहे हैं। आप ज़मीनी स्तर पर चीज़ों को देखें, अगर वो इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं तो ठीक है। आइए कुछ और युवा यहाँ खड़े हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके मुताबिक पिछले 5 सालों में जो तत्कालीन सरकार है युवाओं के लिए किस तरह का काम किया गया? काम क्या, देखो सरकार जो भी है अपने हिसाब से हर सरकार काम अच्छा ही करती है, समझे, लेकिन अगर आप युवाओं को लेके बोलेंगे, स्टूडेंट को लेके बोलेंगे, तो मतलब एक नौकरी का विषय हो गया या पास आउट जो स्टूडेंट हो गए तो वैसे घूम रहे। पिछली सरकारों में जॉब मिली और अच्छे से रहन सहन, मेन मुद्दा क्या है, रोज़गार होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए, और आदमी को क्या चाहिए भाई। लेकिन इस सरकार में ये पोजीशन रही है कि अभी आप BBD पे अगर आवाज़ लगा दें तो 200,000 लड़का आके खड़ा होगा यहाँ पे जॉब के लिए। तो मेरी सरकार से बस यही आवाज़ है कि जो है रोज़गार दे, जिस तरह से मतलब कार्य जो है वो अच्छे स्तर पर है लेकिन रोजगार की कोई सतह नहीं। अच्छा, जो आगामी सरकार होगी, जो सरकार अब आएगी, उससे क्या आशा अपेक्षा रहेगी आपकी? आशा अपेक्षा क्या, वो सरकार आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। वैसे तो क्या आशा अपेक्षा रखते हैं कि वो किस कैसे नियुक्तियों को निकाले और किस तरह का काम करे? वो क्या, बस रोजगार और गांव-गांव में जो हॉस्पिटल वगैरह की फैसिलिटीज, जिसे गाँव तक जो चीज़ें नहीं पहुँच पा रही वो गाँव तक पहुँचाए, और युवाओं के लिए जो बेहतर रोजगार हो वो करे, और महंगाई पे थोड़ा ध्यान दे। सबसे ज़्यादा तो महंगाई, किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है आपको? दोनों की टक्कर है, समाजवादी की भी टक्कर है, BJP की भी टक्कर है, वो तो सामने आने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाला 10 मार्च बताएगा। बैच लगाए हैं डॉक्टर नूर मोहम्मद, तो आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है? हाँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मेरी इंटर्नशिप चल रही है और 3 से 4 दिन की हमारी इंटर्नशिप बची हुई है। अच्छा, हमें ये बताएं कि इंटर्नशिप के बाद क्या आप सरकारी आवेदनों में अप्लाई करेंगे? बिल्कुल अप्लाई करेंगे, उम्मीद और किससे करेंगे, सरकार से नहीं करेंगे तो। अच्छा, ये बताएं कि आपके कई सारे सीनियर होंगे जो पास आउट हुए होंगे, उनकी क्या हालत है, क्या वो सरकारी संस्थानों में उनका मतलब हो चुका है? मेरे नॉलेज में सरकारी संस्थानों में कोई नहीं है, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन किए हैं उन्होंने, सरकारी संस्थानों में मेरे नॉलेज में कोई नहीं है मेरे सीनियर्स। अच्छा, आप अपना नाम बता दें। इंतखाब वाला। अच्छा, हमें ये बताया क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर है जी। तो अभी कुछ इंजीनियर छात्रों से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना था कि इंजीनियरिंग करके हम लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है, तो आपके मुताबिक क्या है?
उत्तर प्रदेश में तो रोजगार नहीं है, कोई भी इंजीनियर को काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, वो भी स्पेशली उत्तर प्रदेश से बाहर। और गवर्नमेंट से तो उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने वादे बहुत किए और पेपर कराने के टाइम जो भी धांधली गवर्नमेंट कर रही है उससे तो उम्मीद नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि दो दो बार पेपर कराया जा रहा है, जो भी धांधली हो रही है, अभी तक वैकेंसीज़ को पूरा नहीं किया गया। वैकेंसीज़ तो बहुत हैं उत्तर प्रदेश में जैसा देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया गया किसी भी वैकेंसीज़ को, तो क्या उम्मीद करें गवर्नमेंट से? अच्छा, आगामी जो सरकार होगी उससे आपकी क्या आशा अपेक्षा है? अपेक्षा है कि नौकरियाँ बढ़ेंगी और नौकरियाँ लाई जाएंगी, वैकेंसीज़ और क्रिएट किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, और उसको पूरा किया जाएगा, भर्तियों को पूरा किया जाएगा और जो भी बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार दिया जाएगा। अच्छा, किस सरकार पे आप भरोसा जता सकते हैं इस बार? सपा। सपा क्यों? क्योंकि भाजपा पे भरोसा जता के देख लिया, अब सपा पे उम्मीद लगाते हैं, उम्मीद उससे हार जाएंगे, फिर कांग्रेस पे उम्मीद लगाएंगे, और क्या ही कर सकते हैं उम्मीद लगाने के अलावा। अच्छा, पुराने जो भी कार्यकाल थे सपा के, जो उन्होंने काम किए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जो काम किए हैं वो कल भी देखा गया था, आज भी देखा जा रहा है और आगे भी देखा जाएगा, उन्हीं के काम के बदल जो भी काम हुआ है पुराने कार्यकाल में हुआ है, इसलिए हम उसी सरकार से उम्मीद लगा सकते हैं, बहुत काम किया गया अखिलेश यादव जी। अच्छा, स्किल डेवलपमेंट को लेकर सरकार की तरफ से कौशल विकास योजना के तहत ऐसे कई सारे संस्थान बनाए गए देश भर में, तो आपके भी दोस्त मित्र कहीं ना कहीं उसमें दाखिला लिए होंगे, और आपके मुताबिक कहाँ तक वो कारगर साबित हुआ? मुझे ऐसा कुछ मालूम नहीं है कि किसी दोस्त ने ऐसा दाखिला लिया है या कुछ उनको उससे बेनिफिट मिला है, ऐसा कुछ मुझे आइडिया नहीं है। कौशल विकास या स्किल डेवलपमेंट का आप योजना के तहत कुछ जानकारी है आपको? नहीं, किसी दोस्त ने लिया हो उसको बेनिफिट मिला हो ऐसा कोई आइडिया नहीं। जी शुक्रिया। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका आशा अपेक्षा आगामी सरकार को लेकर क्या रहेगा। तो आप देख सकते हैं हम BBD पे हैं, जो कि फैजाबाद रोड पे स्थित, यहाँ तमाम ऐसे निजी संस्थान है। जी मैम, आप अपना नाम बता दें। दीपमाला मिश्रा। मैम क्या करती हैं आप? मैं अभी तो एज अ हाउसवाइफ ही हूँ, बच्चों को। अच्छा, अगर बात की जाए तो पिछले 5 सालों में जो तत्कालीन सरकार है उसकी तरफ से युवाओं के लिए जो रोजगार के अवसर हैं वो किस तरह से, मतलब उनको सरकार ने देखा है, युवाओं के लिए क्या उस क्षेत्र में काम किया है? युवाओं के लिए काम तो किया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी किया है, बिजनेस के भी क्षेत्र में किया है, बट अच्छा मैम ये बताएं, इस बार कांग्रेस महिलाओं को लेकर काफ़ी मतलब वरीयता दे रही है, जैसा राजनीति में कम होता है कि महिलाओं को आने का अवसर कम मिलता है, खासकर गाँव में महिला प्रत्याशियों उनके पति उनके प्रतिनिधि बन के काम करते हैं, वही कांग्रेस की तरफ से इस बार 403 विधानसभाओं यूपी में जो है उसमें 40% महिलाओं को उतारा जा रहा है, तो कांग्रेस का ये पैतरा कहाँ तक साबित होगा? अच्छा साबित होगा। ये महिलाओं के लिए एक तरह से प्रेजेंट करने का अपने में एक अच्छा मौका है, जिसमें महिलाएं अपने आप को अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, किस रूप में, चाहे वो परिवार के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, अच्छा कर सकती हैं, बस उनको अवसर मिलने की बात होती है, और अगर वो कांग्रेस कर रही है तो अच्छा प्रयास है। अवसर मिलेगा तो महिलाएं अच्छा करेंगी समाज जी। हाँ जी, अवसर मिलने पे महिलाएं जरूर आगे बढ़ेंगी। जी शुक्रिया मैम। अच्छा दीपक, हमें ये बताएं कि अगर बात की जाए पिछले 5 सालों की, तो सरकार की तरफ से युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में कैसा काम हुआ है? सर देखिए, काबिलियत, अगर इंसान के अंदर काबिलियत है तो उसको तो भाई मिला है, क्योंकि मैं खुद एक सिविल मतलब UPSC हूँ भाई, मैं अपना अभी पहला अटैम्प्ट देने जा रहा हूँ, और खासकर मैंने एमटेक किया है, IIT कानपुर से मैं एमटेक किया हूँ, जबकि मैंने ग्रेजुएशन यहीं से किया है, BBD से, तो मेरे को तो नहीं लगता कि मतलब ये कोई मतलब एरर है या मतलब सुविधा नहीं दी है, मेरे को तो आई एम सेटिस्फाइड। अच्छा, यू आर सेटिस्फाइड। अगर बात की जाए नियुक्तियों की, तो आपने लखनऊ के अंदर में देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 सहायक भर्ती, 97,000 DLED भर्ती, टेट DLED और कुछ और भी सब्जेक्ट थे, और साथ ही साथ कनिष्ठ सहायक 2016-2019 भर्ती, और अबकारी सिपाही भर्ती को लेकर ऐसे कई सारे नियुक्तियों को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, नियुक्ति तो भाई देखिए, अब ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है कि भाई कैसे डील कर रही है। अब मान के चलिए कहीं कहीं जैसे आरओ कहीं पे सुनने में आया कि भाई इसका वो हो गया, क्या कहते हैं, इसे लीक हो गया है पेपर, तो उसमें सर बच्चे तो प्रयास कर रहे हैं। देखिए अब वो गवर्नमेंट के हाथ में है कि भाई उसको कैसे डील करना है, मतलब सिक्योरिटी इशूज़ तो उनके हाथ में है, मेरे मतलब
अब बच्चा तो करेगा, अब नहीं मिल रही है तो ठीक है, मतलब अभी वेट करते हैं, मतलब क्या ही कर सकते हैं हम लोग तो कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट तो अपने हिसाब से, मतलब एक हिसाब से देखा जाएगा तो पूरा फुल अच्छा देता ही है, अब नहीं हो रहा है तो उसमें। पहला अटेम्प्ट आपने दिया? अभी मेरा पहला अटेम्प्ट है, मेरा आई टी कानपुर से मतलब एमटेक मैंने कम्प्लीट किया है, अभी इस साल मेरा लास्ट मतलब सेमेस्टर है। अच्छा, हमें ये बताएं कि आपको जानकारी होगी कौशल विकास के लिए ऐसे कई सारे संस्थान कई क्षेत्रों में खोले गए भारत के अंदर में, तो वो कहाँ तक इस बार कारगर साबित हुए हैं? एग्जैक्टली इसके लिए एजुकेशन में एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है इसका, मेरे को नॉलेज नहीं है मेरे को इसका। अच्छा, आपके मुताबिक किसकी सरकार आने वाली है और क्या आशा अपेक्षा एज ए यंग आपकी रहेगी? सर मेरे को बीजेपी से फ़ायदा हुआ है, सो आई विल सपोर्ट बीजेपी ओनली, क्योंकि बीजेपी में मेरे को मतलब अगर देखा जाए मतलब नॉट एज एजुकेशन, मतलब एजुकेशन तो भाई देखिए वो तो देगी ही देगी, लेकिन मतलब एज अ सिक्योरिटी पर्पज से भी अगर देखा जाए तो इट इज़ बेटर, मतलब मेरे को लगता है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में भी किया है सर, क्योंकि मेरा फ़ायदा हुआ है, मैंने मतलब मैं अच्छी जगह हूँ। व्यक्तिगत फ़ायदों को हटा के देखे तो सर थोड़ा बहुत है इशूज़, लाइक जैसे भाई लीकेज, मतलब पेपर जो लीक हो जाते हैं उनमें है थोड़ा, तो इस पे अगर वो मतलब अच्छा देगी तो मेरे को लगता है कि शुक्रिया। ओके, आप अपना नाम बता दें। विशेष केसरी। विशेष क्या करते हैं आप? मैं फार्म, बी फार्मा। बी फार्मा, तो चौथे साल में आप हैं? फर्स्ट ईयर ही है। क्या आपकी आशा अपेक्षा रहेगी आगामी सरकार से, क्योंकि आपकी डिग्री भी आगामी जो आने वाली सरकार है उसमें ही पूरी होगी, तो क्या आशा अपेक्षा रखते हैं सरकारी नौकरी या इन सब नियुक्तियों को लेकर? क्या सर, सरकारी नौकरी तो चाहिए चाहिए हमको, फिर फार्मा करना, मन में फार्मा करना नहीं है, मेरे को बैंक की जॉब चाहिए बस। अच्छा, आपको सरकारी नौकरी चाहिए? हाँ। तो इसके लिए आप क्या आशा अपेक्षा रखते हैं कि आने वाला सरकार किस हिसाब से काम करे? जो तत्कालीन सरकार है उसके तरफ से बताया गया था कि 70 लाख रोजगार देंगे, तो क्या इस बार रोजगार सरकार दे पाई है उस हद तक? मैंने तो अभी तो नहीं दिया है सर, फिलहाल कम ही लोग पाए हैं, देखते हैं आगे चल के देगी तो देगी ही, बोलती है तो करती है जी। आपको शुभकामनाएं आपके डिग्री के लिए। आप वहीं आइए, कुछ और बच्चों से बात करते हैं, स्कूली बच्चों से जो यहाँ अपने शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेते हैं और अपने डिग्रियों को पूरा करते हैं। जी भाई, अपना नाम बता दें आप। मेरा नाम शमसुद्दीन है। शमसुद्दीन, क्या काम करते हैं आप? हम यहाँ काम करते हैं लेबर का। लेबर का। आपने अगर शिक्षा की बात की तो आपने क्या किया है? मैं 10th क्लास पास हूँ। 10th क्लास पास है और यहाँ नौकरी कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो हमें ये बताएं कि आप तत्कालीन सरकार से अगर बात की जाए रोजगार के क्षेत्र में, अखबार उखबार पढ़ते ही होंगे, सोशल मीडिया चलाते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि कैसा काम किया है? काम देखो, इस समय सबसे पहला बड़ा मुद्दा जो महंगाई का है, और जो लोग हैं छात्र पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार हैं, इस समय नौकरी नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा जो महंगाई का है, किसान बेहाल हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं किया सरकार ने। अच्छा, काम कैसा चल रहा है आप लोग का? अभी तो कोविड की 3री लहर चल रही है, यहाँ छात्र भी बहुत कम दिख रहे हैं हर दिन के मुताबिक, जो कोरोना के पहले के मुताबिक, तो क्या आपकी दुकान पे कैसा असर आया? यहाँ पे 40% काम है, 60% काम नहीं है। 40% अभी भी छात्र आ रहे हैं या बाहरी लोग आ रहे हैं? सब लोग घर चले गए, यहाँ पे जो निजी यहाँ के रहने वाला आदमी वही है, बाहर के लोग सब चले गए हैं। तो आइए, कुछ दोस्त और हैं उनसे बात करते हैं। जी, आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम सुशांत शुक्ला है जी। अच्छा, हमें ये बताएं कि जो तत्कालीन सरकार है अगर शिक्षा और रोजगार की बात की है तो कैसा काम किया है? भैया कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं फिलहाल इस सब चीज़ों में। अच्छा। योगी सरकार बेस्ट है तो बेस्ट रहेगी। अच्छा, और क्या। अच्छा, ये हमें ये बताएं कि स्किल एजुकेशन का नाम आपने सुना होगा, कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं, तो कहाँ तक वो खोलना कारगर साबित हो पाया? अब भैया इसके बारे में अब ठीक ही है, अब क्या क्या बताया जाए। बीजेपी सरकार इज द बेस्ट सरकार, हम मेरे हिसाब से ही है भैया। थैंक यू। आने वाली सरकार कौन सी होगी आपके मुताबिक? बीजेपी सरकार ऑल कंफर्म है, और क्या, यही आने वाली है। तो आइए, कुछ युवा और हैं उनसे बात करते आते हुए दिख रहे हैं कि वो आखिर उनका क्या सोचना है। भाई साहब एक मिनट, आप अपना नाम बता दें। मेरा प्रणव। प्रणव, प्रणव। प्रणव, हमें ये बताएं कि जो तत्कालीन सरकार है अगर उसकी बात करें तो युवाओं की रोजगार के क्षेत्र में कैसा काम किया है? हमें तो पता नहीं, हमें नहीं पता, हम तो स्टूडेंट हैं अभी, रोजगार के तरफ। क्या करते हैं आप? लॉ कर रहे हैं। लॉ कर रहे हैं, तो जो आगामी सरकार होगी उससे क्या आशा अपेक्षा रखते हैं?
अच्छा, अपेक्षा ये रखते हैं कि जो नए युवा हैं उनके उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ काम करें और ये सब देखा जाए। अच्छा, सरकार की तरफ से कहा गया था अपने संकल्प पत्र में कि 70 लाख रोजगार देंगे, तो आपको कैसा लग रहा है कि कैसा आप देख पा रहे हैं कि 70 लाख रोजगार में क्या मिल सका है युवाओं को? कुछ नहीं मिल सका है, अब क्या मिलेगा, वही बस गौशाला मंदिर यही सब में ज़्यादा इन्वॉल्व रही है सरकार। मतलब गौशाला मंदिर इन सब में ज़्यादा इन्वॉल्व रही है, आप अपना नाम बता दें। अच्छा, आप बात नहीं करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि युवाओं की समस्या कैसे दूर होगी जब वो बस महज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर क्रांति लाना चाहते हैं मगर बात नहीं करना चाहते हैं। तो आप अपना नाम बता दें। सनी रावत। सनी, आप क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं? हाँ। कौन सा जॉब करते हैं आप? हम कॉस्मो वर्ल्ड कंपनी में कुक हैं। अच्छा, हमें ये बताएं कि अगर बात की जाए तत्कालीन सरकार के 5 साल के कार्यों पे, तो कैसा काम किया है रोजगार के क्षेत्र में? रोजगार के सिलसिले में अच्छा काम किया है। अच्छा काम के क्षेत्र में अच्छा है। हाँ। वही आपने देखा कि तमाम छात्र अभ्यर्थी आके लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके प्रदर्शन को किस हद तक आप देखते हैं? सर, हम ये बताना चाहते हैं, ज्यादा तो हम ये देखते ही नहीं न्यूज वगैरह, और हमें इन सब चीजों का टाइम ही नहीं है। अच्छा, अब अपने क्या मदद करते हैं? अपने तो आइए कुछ युवा यहाँ हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार में क्या है। आप अपना नाम बता दें। गुलाम अशरफ कुरैशी। गुलाम अशरफ कुरैशी। गुलाम अशरफ कुरैशी, तो हमें ये बताएं कि अगर तत्कालीन सरकार की बात की जाए तो युवाओं के लिए वो कैसा काम कर रही है? इस टाइम तो ठीक है, लेकिन स्कूल बंद है तो कुछ सही नहीं लग रहा है, पढ़ाई वढ़ाई सब बंद है अभी फिलहाल, और बस यही हो रहा है, घूम फिर रहे हैं, कोई फायदा तो है। क्या क्या पढ़ाई करते हैं? अभी तो फर्स्ट ईयर है हमारा कॉमर्स साइड, तो एग्जाम अच्छा, टाइम में ही खुलता है वो डायरेक्ट, एकदम बेकार। जो आगामी आने वाली सरकार होगी उसमें आपकी डिग्री पूरी होगी, तो क्या आशा अपेक्षा रखते हैं? अब यही है कि देखते हैं क्या होता है, हर बार तो जब खुलने का तो वो होता है तो बंद ही हो जाता है स्कूल, अभी 24 को बोले फिर 30 को बंद, 30 तक, अब यही है। कक्षाएं कैसी चल रही हैं ऑनलाइन? ऑनलाइन तो बस वही है कि वो भेज दिए, मैंने देख लिया, भेजा ठीक है, जो वहाँ पढ़ने में अच्छा लगता था वो यहाँ नहीं है, बस यही। अच्छा, बात की जाए तो अगर आप कक्षाओं में बैठकर पढ़ते थे और आज घर में बैठ के एक कमरे में ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो अगर बात की जाए तो क्या उतना हद तक आप समझ पाते हैं? बिल्कुल नहीं, जो वहाँ टीचर समझाता वही ज़्यादा बेटर रहता है, यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आता है, जो वहाँ टीचर समझाता वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ बैठे हैं, कोई काम आ गया क्लास छोड़ के काम भी देखना, वहाँ अपना गाय सर के सामने बैठे हैं पढ़ा रहे, अच्छे से पढ़ रहे हैं लोग, वही चीज़ है। और क्या भाई, यही है कि सरकार में यही है कि हर दिन तो बंद ही रहती है, साल के 6 महीने स्कूल, 6 महीने बंद। मतलब कह सकते हैं कि छात्रों का बहुत नुकसान हो रहा है इस कोरोना का। तो है ही है इसमें फिलहाल के लिए, जो भी है नुकसान तो है ही है इसमें। अब यही है, अगले महीने बोर्ड पेपर है तो बंद पड़ा है स्कूल कॉलेज सब, और क्या करें हम जी। तो इस वक्त हम मौजूद थे फैजाबाद रोड स्थित, यहाँ बीबीडी यूनिवर्सिटी है, साथ ही साथ सिटी लॉ और तमाम निजी संस्थान है जहाँ दूर दराज से छात्र आते हैं और अपनी डिग्रियों को लेकर यहाँ दाखिला लेते हैं और पढ़ते हैं। तो हमने युवाओं से जाना रोजगार के क्षेत्र में, तो उनका साफ तौर पे विचार मिला जुला है, और बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी सरकार आए युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में काम करे। अब देखने वाली बात यह होगी कि 10 मार्च को किसकी सरकार बनती है और आने वाली सरकार जो युवाओं के लिए कैसा काम करती है। कैमरामैन रश्मि के साथ विभांशु, प्राइम टीवी। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।